दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। बड़ा आदेश है आपको बताना चाहता हूँ और दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए यह आदेश निकाला गया है। आदेश बड़ा है, थोड़ा समझिएगा, तारीख पर फोकस कीजिएगा। और मैं हूँ राजेश शर्मा, आपको नई नई वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। इसके बाद में रात में एक और बड़ी वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिल रहा है शिक्षक भर्ती में, उसको लेकर बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो 9 या 9:30 बजे उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय को लेकर आदेश है। क्या 1 महीने का मानदेय दीपावली को ध्यान में रखते हुए पहले दिया जाना चाहिए? एक कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश का आदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावास भवन बिलाका पंचम तल जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरभाषा नंबर दिया है और भोपाल दिनांक 20/10/2022, क्रमांक है 207, प्रति है समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश। चाहे वो कोई से भी अधिकारी हो, चाहे रोजगार सहायक हो, अतिथि शिक्षक हो, या संविदा पर आधारित कर्मचारी हों दोस्तों, या दैनिक वेतनभोगी हों, सभी के लिए सूट लेवल है आदेश, थोड़ा समझ लीजिएगा। और विषय यहाँ पर दिया है माह अक्टूबर 2022 का भुगतान, माह नवंबर 2022 के वेतन भुगतान के संबंध में, यानी नवंबर का वेतन अक्टूबर में ही दिया जाना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों का जो बजट पेश हुआ है वो भी नवंबर तक का है। तो अगर आप वास्तव में नवंबर का मानदेय डलवाना चाहते हैं तो इस आदेश को आप बता सकते हैं। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश है, शासन से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय सेवकों को माह अक्टूबर 2022 भुगतान, माह नवंबर 2022 का वेतन, दीपावली पर्व 24 अक्टूबर 2022 के पूर्व भुगतान किया जाना है। यानी 24 नवंबर का वेतन 24 अक्टूबर के पूर्व यानी पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे भाइयों, 20 तारीख आज हो चुकी है और 20, 21, 22 यानी 4 दिन अभी शेष हैं। तो 4 दिन के अंदर आपको नवंबर का मानदेय अक्टूबर में मिलना तय है। ये आदेश आ चुका है और यहां पर भुगतान किया जाना, अतः इस संबंध के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करें तथा उक्त अनुसार वेतन देयक पारित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य हेतु समस्त कोषालय 22 अक्टूबर 2022 को खुले रहेंगे। डॉक्टर राजीव सक्सेना संचालक कोष एवं लेखा 20/10/2022 का बड़ा अपडेट है। और आप क्या समझना चाहते हैं? अगर वास्तव में आपको मानदेय नहीं दिया जा रहा है तो इस आदेश की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको करना क्या है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे चैनल के फ्यूचर जानना चाहते हैं तो थैंक्स या मेंबर ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिएगा, जिससे आप हमारे मेंबर्स बन जाएंगे और आपके लिए हर आदेश मिलने लगेगा दोस्तों। और ज़्यादा ही अगर दिक्कत परेशानी है तो फिर मैं इसकी PDF प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप PDF से डाउनलोड कर लेना। हालांकि आदेश सब जगह है। और भाइयों अगर कोई भी समस्या है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।